मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हमीरपुर जिला के अपने दौरे के दौरान करोड़ों रुपए के उद्घाटन व शिलान्यास किए। तेज बारिश के बीच मुख्यमंत्री हमीरपुर के सलासी पहुंचे, जहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। मुख्यमंत्री सुक्खू ने सलासी में 5.27 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले मुख्य अभियंता जल शक्ति विभाग हमीरपुर कार्यालय व उठाऊ जलापूर्ति योजना का शिलान्यास किया, तो कुरिहार मसियाना सड़क के सुधार एवं विस्तारीकरण के कार्य का शिलान्यास भी किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने के मामले पर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कोई गलती नहीं की है और इस फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सच्चे मन से देश की सेवा कर रहे हैं और कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर पर पद यात्रा की है। उन्होंने कहा कि देश की एकता व अखंडता में कमी के चलते देश की पद यात्रा की है और मेरा मानना है कि राहुल गांधी को न्यायालय के द्वारा दोषी ठहरा सकते हैं, लेकिन जनता के दिलों में राहुल गांधी की पहचान है। पहला ऑफिस तो हमारा, क्योंकि हम चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार सोलर एनर्जी में ज्यादा और ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन एनर्जी की तरफ ज्यादा जाए। इस दृष्टिकोण से जो हेड ऑफिस है सोलर का, वो आज अनु में खुलने जा रहा है। इसके अलावा जितने भी ट्रांसपोर्ट से संबंधित मामले हैं, जो ट्रक से संबंधित मामला है, जो हाईकोर्ट में चला करते थे, पूरे हिमाचल प्रदेश का अपीलेट अथॉरिटी का कार्यालय यहाँ खुलने जा रहा है। और तीसरा जो कार्यालय है, जो आने वाले समय में जिसकी अभी स्वीकृति मिलने जा रही है, वो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, अभी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो कार्यालय है वो ऊना में है। तो तीन ये कार्यालय आज इस शुभ अवसर पर हमीरपुर जिला को मिलने जा रहे हैं। एक तो सोलर का जो हेडक्वार्टर होगा वो हमीरपुर होगा, और इस सब दृष्टिकोण से ये आज बहुत महत्वपूर्ण दिन भी है। नहीं, न्यायालय से जो निराशा की बात है, राहुल गांधी जी ने कोई गलती नहीं की है, लेकिन आप जानते हैं कि कई बार किस प्रकार से फैसले हो जाते हैं, जिस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन राहुल गांधी जी सच्चे मन से इस देश की सेवा कर रहे हैं और जहां भी लगता है उन्हें वो लोगों की आवाज़ उठाते हैं, और जो समाज में अराजकता फैली थी उसके खिलाफ उन्होंने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की पैदल यात्रा की। किसी भी देश के प्रधानमंत्री को इतनी लंबी यात्रा करने की जुर्नी थी, पैदल चले वो 4000 किलोमीटर के लगभग, और आप जानते हैं कि वो क्यों चले, क्योंकि देश की एकता और अखंडता के लिए जब उन्होंने देखा कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी आ रही है, दरार पड़ रही है, कि इससे भाईचारा बना रहे, इस दृष्टिकोण से उन्होंने यात्रा की। और मेरा ये मानना कि उनको आप न्यायालय के द्वारा दोषी ठहरा सकते हैं, लेकिन जनता के दिलों में उनकी एक अपनी अलग पहचान है, तो इस दृष्टिकोण से इसको नहीं देखा जाना चाहिए। देखो, वो जयराम ठाकुर जी विपक्ष के नेता है और उनको ये कहना पड़ता है, क्योंकि लोकसभा चुनावों के मद्देनज़र वो कभी हिंदू की बात करते हैं। हम सब लोग हिंदू हैं, हमसे ज़्यादा कौन माँ देवी देवताओं और भगवान में आस्था रखता है, हमसे ज़्यादा कोई नहीं रखता। और कभी वो डीनोटिफाइड सरकार को करने की बात करते हैं, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि जब तक हम सत्ता में हैं, जनता के, गरीब जनता के, आम आदमी के हक में फैसले लेते रहेंगे। आप किसी प्रकार की बयानबाजी से हमें हमारे अपने रास्ते से हमें हटा नहीं सकते। हम बढ़ रहे हैं, हम लोगों के हित के लिए काम कर रहे हैं, और हमने कहा है कि हम सत्ता सत्ता सुख के लिए नहीं आए, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए।